ऑटो एक पैनम करके एयरलाइन थी, उसमें एयर होस्टेस। ये प्लेन जा रहा था बॉम्बे टू न्यूयॉर्क वाया कराची एंड फ्रैंकफर्ट। तो सुबह प्लेन निकला 5 बजे और कराची में जब लैंड किया तो वहाँ पर 4 आतंकवादी वेट कर रहे थे प्लेन के। तो जैसे प्लेन लैंड किया, कुछ पैसेंजर जो कराची उतरना था उतर गए थे और कुछ चढ़ रहे थे अभी। ये चारों आए, गोली मारते फायरिंग करते प्लेन के ऊपर चढ़ गए। किस्मत की बात है, लाटो एक हफ्ता पहले उसके एंटी एज ट्रेनिंग करके आई थी लंदन से। उसमें उसको बताया गया था कि अगर ऐसा कुछ सीन होए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होए, तो अपने पहले पायलट को अलर्ट करना है, तो इंटरकॉम पे कोड डालना है। वो लाटो ने फट करके कोड डाला। अभी इनको एरोसे को पता नहीं था जब वो कोड डालते हुआ क्या, हुआ क्या कि जो पायलट को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर जो ऊपर टेक था, वही 747 था तो उसका टेक ऊपर था। उनको जब ये सिग्नल मिला उन्होंने क्या किया, ऊपर एक हैच था, हैच को खोला, अंदर एक स्पेशल रस्सी थी, वो रस्सी डाली और वो प्लेन छोड़ के भागे। एंड देवर रफली अबाउट 400 पैसेंजर्स एंड क्रू ऑन बोर्ड, उधर छोड़ के वो भागे सर। तो ये जो हाइजैकर थे, वो जो लीड हाइजैकर था उसका नाम था साफरानी, वो भी पागल आदमी था बिल्कुल। उसने भी रिसर्च नहीं की थी कि ये प्लेन कैसा है। वो आया फटाफट भाग के वो नोज के ऊपर गया, अगर दरवाजा खोला तो अंदर उसको सर सूट हैंग करते हुए देखे, क्योंकि जो बोइंग 747 है उसका कॉकपिट ऊपर है ऑन द मेज़नाइन फ्लोर। जब तक उनको पता चला कि मेज़नाइन फ्लोर भी है तब तक पायलट है रनवे। उन्हें जाके खोला, देखा अंदर कोई भी नहीं है, बड़ा गुस्सा चढ़ा इनको। ये थे एक ग्रुप है अबू नेताल ग्रुप, ये थे अमेरिकन के गेस्ट, अमेरिकन के गेस्ट थे। ये लीबिया का गद्दाफी था, उसके बंदे थे। तो अभी किस्मत की बात अगेन, नीचे आए तो एक इंडियन था जो अमेरिकन बना था वेरी रिसेंटली। उसने सोचा शायद ये, अभी पंजाब में खालिस्तान की बड़ी प्रॉब्लम थी, उसने सोचा शायद ये खालिस्तानी वाले लोग हैं। तो उसने पासपोर्ट निकाल के बोला आई एम एन अमेरिकन, आई एम एन अमेरिकन। तो बोलते आ जा बेटा तुम दोस्त। उसको पकड़ के लेके गए जो एग्जिट है उधर, बेंड कराया, नील कराया, उसको बंदूक रखी था, उसको मार दिया, उसकी बॉडी बाहर फेंक दी। पर इससे क्या हुआ, एयर होस्टेस को पता चल गया कि देयर आर अमेरिकन। क्योंकि ट्रेनिंग में उनको बताया गया था कि आपको सबसे पहले वो लोग बचा रहे हैं जो सबसे जिनको सबसे सबसे ज़्यादा डेंजर है। तो फिर ये हाईजैकर से बोला सबके पासपोर्ट कलेक्ट करो, क्योंकि 400 पीपल इनसाइड, वो देखना चाहता है कौन सा अमेरिकन है इनमें। तो लाटो ने जो बाकी एयर होस्टेस को, शी वाज़ द लीड एयर होस्टेस, शी वाज़ द सीनियर फ्लाइट पर्सन, उसने बाकी अपने एयर होस्टेस को बोला कि जब पासपोर्ट कलेक्ट कर गए, जहाँ आपको अमेरिकन पासपोर्ट दिखेगा उसको आपने लेना नहीं है, उसको अगर सीट पर उछाड़ देना या फेंक देना। तो सारे पासपोर्ट कलेक्ट करके जब वापस आए तो देयर वर अबाउट 400 पासपोर्ट, उनमें एक भी अमेरिकन पासपोर्ट नहीं, ऑल्दो देयर वर एक्चुअली 41 अमेरिकन्स ऑन बोर्ड। तो देन दिस हाईजैकर और डेपुट एक ब्रिटिशर को पकड़ा, उसको डीलोड करा दिया उधर, लेकिन फॉर्चुनेटली उसको मारा नहीं, वो बच गया, एंड में बच गया था। सारा गेट ये चला हाईजैक। किस्मत की बात अगेन, बाहर अंधेरा होना शुरू हो गया, अंदर लाइट बंद होनी शुरू की, क्योंकि अंदर ऑयल खत्म हो गया था, इंजन तो और छोड़ के गए थे, चले गए थे तो पायलट है, तो अंदर एयर कंडीशनिंग बंद होगी, बिकेम वेरी सफोकेटिंग। तो ये जो हाईजैकर हैं, इन्होंने पॉसिबली सोचा कि कोई कमांडो अटैक होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि सब पैसेंजर को एक सेक्शन में हट किया और दोनों तरफ से गोलियां चलानी शुरू कर दी और हैंड ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। इसमें भी लाटो ने इमरजेंसी दरवाजा खोला और पैसेंजर ने और खोला, उसने ही दरवाजा खोला, जाती थी और खुद जम मार के भाग जाती। देखो उसने ऐसे नहीं किया, पैसेंजर हमारे को बोलते हैं कि वो उधर खड़ी हुई बोलते हैं गेट आउट रन, भागो यहाँ से भागो। तो वह 4 अनकंप्लीट चल रहा, उनके पेरेंट्स साथ में नहीं थे। ये हाईजैकर उनको गोली मारने आया तो उसने उसको बॉडी से अपना कवर कर लिया, एंड शी गॉट किल्ड इन दैट, एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, बिकॉज इतनी गोली गोली चली तो जो एम्बुलेंस थी वो चली गई थी। देवर 2-3 क्रू मेंबर्स, उन्होंने जब वापस चलने पहुंचे उन्हें लड्डू है तो उसको ढूंढने आए वापस। तो जब ऊपर पहुंचे शी वाज स्टिल अलाइव एट दैट टाइम, शी वाज लाइंग आउट देयर ब्लीडिंग, तो दे हेड डाउन। तब उनको बोलते कि वॉच ऑन माय हैंड इज ब्रोकन,
एक्चुअली शी हैड गॉट शॉट आउट हेयर, तो दोनों एम्बुलेंसेस को जीप में डाल के उन्होंने भेजा. जीप गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम ऑन द वे, तो बाय द टाइम दे रीच द हॉस्पिटल शी वाज गॉन. बट द डॉक्टर्स टेल अस अगर वो बच भी जाती हर मेन दिस थिंग आर ऑल गॉन, सो शी वुड नॉट हैव लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ. सो मे बी इट वॉज गुड दैट शी पास्ड अवे, बट दैट वॉज नॉट ओवर, दैट वॉज वॉट शी वॉट वॉज ऑल अबाउट. आई थिंक एक राउंड ऑफ अप्लॉज हो जानी चाहिए कि हमारे समक्ष एक नेशनल हीरो हैं नीरजा जी, अशोक चक्र विनर हैं सर, अशोक चक्र विनर से उन्हें सम्मानित किया गया. और अनीश जी के जब भी आप नीरजा जी के घर बोलेंगे, जब भी आप जाएंगे, तो आज भी आप देख सकते हैं कि बाहर एक वो फीएट कार खड़ी है जो उनकी निशानी है, और घर के बाहर नीरजा निवास है और अशोक चक्र लिखा हुआ है. तो सर वी आर प्राउड टू हैव सच यू नो आपका यहाँ होना हमें बहुत अच्छा लग रहा है.